नमस्कार, आज मैं स्पेशल मक्के के आटे से बाटी बनाने जा रही हूँ और ये नाश्ते में भी खाई जा सकती है। मैं इसको अप्पम मेकर में बना रही हूँ, तो छोटी छोटी बनेंगी और ये नाश्ते में बड़े आराम से खाई जा सकती हैं। आप दाल बाटी के रूप में जैसे खाते हैं चाहे वैसे खा लें, चाहे आप चटनी, हरी चटनी, सॉस या किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, लाल चटनी कैसी भी खा सकते हैं। ये सामान मैंने ये जो लिया है वो ये है, मक्के का आटा, चावल का आटा। आप इसकी जगह पर सादे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैंने चावल का आटा लिया है। ये कलौंजी है, ये अजवाइन, ये थोड़ा सा हींग, ये घी पिघला हुआ, और ये नमक, और ये थोड़ा सा मीठा सोडा। सारे मेजरमेंट्स मैं इन मेजरिंग कप से लेती हूँ, आप अंदाज से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म रख रखा है जो कि ल्यूकवर्म वाटर से मैं इसको तैयार करूँगी। अब इन सबको मैं बतला दूँ, मैं इन सबको एक बार छान लेती हूँ, और छानने के समय इसमें मैं ये सोडा मिला रही हूँ। सब बराबर इक्वल अमाउंट में सब जगह मिल जाएगा, ये भी और ये हींग भी, केवल ये अजवाइन बाद में डालेंगे। ये आटा छान लिया है, इसमें मैं ये अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। क्रश करके डालने से इसकी सुगंध ज़्यादा आ जाती है। और अब ये जो मैंने घी पिघला के रखा हुआ था ये मैं इसमें मिला रही हूँ, और अब मैं इसको गर्म पानी से, गर्म इतना होना चाहिए ल्यूकवर्म, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको तैयार करना चाहिए। और मुझे आटा ये बहुत कड़क भी नहीं करना है और बहुत नरम भी नहीं करना है, बीच का आटा हमें तैयार करना है। पानी का मेजरमेंट जो है ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम जो बाज़ार से आटा लाते हैं वो कभी पानी ज़्यादा सोखता है, कभी कम सोखता है, इसलिए इसके मेजरमेंट को नहीं, इसको आप अंदाज़े ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी कड़क है, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ये आटा तैयार है और मैंने इसको रेस्ट पे रख देना है, इसको 10 मिनट के लिए। इसको मैं घी लगा देती हूँ, तेल लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बाटी में अक्सर घी खाते हैं, और गर्म होगा तो घी पिघला ही रहेगा। अभी तो ये हाथ से लगाने लायक ठंडा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, मतलब थोड़ा पिघला हुआ नहीं है। अब मैं इसको इस पर रख देती हूँ थोड़ा प्री हीट होने के लिए। ये मैंने गोल बाटियाँ बना ली हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कलौंजी लगा रही हूँ, और कलौंजी लगा करके मैं इसमें थोड़े छेद भी कर रही हूँ। छेद करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जब हम घी इसमें भरेंगे तो घी अच्छी तरह चला जाएगा। इस तरह से हम बना के इसमें रख देते हैं। ये इसका घी गर्म हो गया है खूब अच्छी तरह, गैस मैंने बंद कर दी है। अब मैं इनको सिकने के लिए ढक के रख रही हूँ, और मैंने नीचे सिम पे गैस को कर दिया है। ये 10 मिनट हो गए हैं और ये एक साइड से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें इनको पलट देती हूँ और इनमें सब में घी डाल देती हूँ। घी डाल के ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। बाद में तो हम घी लगाएंगे ही, पर अप्पम मेकर में हम लगाते हैं तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि इस साइड से भी बहुत अच्छी तरह घी इसमें चला जाएगा।
देखिए ये मक्के के आटे की बाटी तैयार है। ये मैंने नाश्ते के लिए बनाई है, छोटी छोटी बनाई है, इसलिए आप चाहें बड़ी बड़ी बनाइए और जैसे यूजुअल दाल बाटी के साथ दाल बाटी खाते हैं ऐसे खाइए। इसको मैंने नाश्ते के साथ बनाई है, हालांकि मैंने इसके साथ सांभर भी बना रखी है। ये इमली की मीठी चटनी भी है और ये टोमेटो केचप भी है। आपकी मर्जी, किसी भी रूप में इसको आप खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।